डॉक्टर रवि पूजा को शादी करके अपने घर मिलाता है। पूजा एक अंधी लड़की है। अभी अभी कहाँ हो तुम? देखो तो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। जी भैया। अरे ये कौन है? ये तेरी भाभी है पगले, पर ये देख नहीं सकती। आप किसी अंधी लड़की से शादी करके घर पर लाए हो? और आप तो क्लिनिक गए थे ना, ये शादी कब करी आपने? अरे तू इतनी सब बातों को छोड़, कभी फुर्सत में बैठकर बात करेंगे। अभी अपने मन में सोचने लगता है। अरे यार क्या माल है, अंधी है पर क्या दिखती है। मेरे भाई की तो किस्मत ही खुल गई जो ऐसी सुंदर लड़की मिली है। अगर इसके साथ मजे नहीं किए तो मेरी जिंदगी बर्बाद है यार। चलो बेबी हम दोनों चलते हैं, और तू भी अच्छे से खाना खाकर सो जा, सुबह मिलते हैं अब। इतना कहकर रवि और पूजा दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और अभी उन दोनों को चुपके से देख रहा होता है। अरे पूजा क्या लग रही हो तुम, जी करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। बस सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे पूजा मेरे से ज्यादा उत्साहित तो तुम लग रही हो। अब दोनों में बातें चल रही होती हैं कि तभी रवि को एक फोन कॉल आता है। अरे यार इस फोन को भी अभी आना था। पूजा मैं सिर्फ 2 मिनट में आया। जल्दी आना। अरे अब भाई तो गए, अब वो तो जल्दी जल्दी वापस आएंगे नहीं। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा और भाभी के साथ मजे करने होंगे। उस अंधी को क्या ही पता चलेगा कि कौन है। रवि पूजा के पास जाता है और उसके साथ बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अरे आ गए तुम, बहुत जल्दी आ गए। चलो अब मुझसे रहा नहीं जाता, चलो शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। जो काम पूजा ने अपने पति रवि के साथ करना था, अब वो काम अपने देवर के साथ भी कर बैठती है। अगले दिन पूजा रसोई में काम कर रही होती है, तभी चलो पूजा अब मैं क्लिनिक के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करो, मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। जी आज रात को आप जल्दी घर आ जाइएगा। ठीक है मैं अब चलता हूँ। रवि अपने क्लिनिक के लिए चला जाता है। अब पूजा और अभी दोनों घर पर अकेले हैं। भाभी आप क्या कर रही हो? देवर जी मैं रोटियां बना रही हूँ। भाभी आज रोटी मैं आपके हाथों से ही खाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो देवर जी आप? आपको एक सच बताऊं, कल जो आप रात में रवि के साथ कर रही थीं, वो असल में रवि नहीं था, वो मैं था। अरे ये आप क्या बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे इसमें शर्म कैसी, जो कल रात को हम दोनों के बीच हुआ वही तो आपको बता रहा हूँ। हे भगवान ये क्या पाप हो गया मुझसे, ये बात मैं आपके बड़े भाई को बताऊंगी तो वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा क्या वो आपकी बातों पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आप तो अंधी हो, कहाँ जाओगी क्या करोगी, कोई आपको नहीं स्वीकार करेगा। इससे अच्छा यही है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। ये क्या बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपको सारी जिंदगी ऐसा ही करने के लिए कह रहा हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती बस तब तक करना होगा। इतना बोलकर अभी वहां से चला जाता है, और पूजा सोचने लगती है कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कैसे वो अंधी हो गई, कैसे उसकी शादी हो गई, और कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। पूजा अपने ख्यालों में खो जाती है और अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। अरे डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? आप जल्दी से आकर मेरी बेटी को देखो ना, क्या हो गया उसे, उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे आप थोड़ी देर वेट कीजिए, डॉक्टर आते ही होंगे। अरे आप जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए, देखो ना मेरी बेटी नहाते समय गिर गई और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लो डॉक्टर आ गए। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम इधर आना जरा। रवि उसकी आंखों को देखता है और उसको ऑपरेशन करने की सलाह देता है, और पूजा के माता पिता मान जाते हैं। रवि पूजा को अंदर ले जाता है और ऑपरेशन करके बाहर लाता है,
और पूजा के माता पिता को बताता है कि ऑपरेशन फेल हो गया है। अब पूजा कभी भी देख नहीं पाएगी। हाँ, अगर कोई अपनी आंखें पूजा को दान करता है तो पूजा फिर से देख पाएगी। इतना सुनकर पूजा के पिता वहां पर बेहोश हो जाते हैं। जब रवि पूजा के पिता को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजर गई। पहले बेटी अंधी हो गई और अब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी मर जाऊंगी। अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। मैं रखूंगा इसका ध्यान। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है और रवि पूजा को अपने घर ले आता है। आगे इस तरह ही चलता रहता है। पूजा को पति पत्नी वाला रिश्ता अपने देवर अभी के साथ निभाना पड़ता है। पर आखिर कब तक ऐसा चलता है? क्या रवि को अभी की सच्चाई पता चल पाती है? ये जानने के लिए इंतजार करें इस कहानी के अगले पार्ट का। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।